ये जयपुर शहर में अक्षरधाम मंदिर स्थित है, जो अपने आप में यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर का निर्माण सन 2005 में स्वामी बाबा द्वारा किया गया। यह सुंदर वास्तुकला शानदार मूर्तियों निकासी के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। इस मंदिर को स्वामी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जाएंगे अक्षरधाम मंदिर देखने के लिए, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। पहुंच गए हैं टेंपल। पहुंच गया अक्षरधाम और अभी हम कुछ खाएंगे पहले, फिर हम अंदर जाके वीडियो बनाएंगे। तो ये बैग वगैरह लगा रहे साइड में, ये अक्षरधाम है। और हम लोग अभी शूज निकाल दें अपने, ये देखो। प्रियंका आगे जा रही है उधर। ये जो डिजाइन बनाई गई है मंदिर की, राजस्थान की कलाकारी है। जयपुर में आपको पता ही कितना कलाकारी होती है जयपुर में। हिमालय 12,000 से भी अधिक किलोमीटर की पदयात्रा कर उन्होंने तीर्थों को पावन किया। पूर्व बंगाल की भूमि तो फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही सुंदर इस मंदिर को बनाया गया है। तो मैंने बंधवा लिया। एक कलावा ले लेना ना, उनके लिए भी लेके चलेंगे। तो गाइज, ये है नारायण भगवान की मूर्ति और यहाँ पे टोकन लेके जल अभिषेक करवाते हैं और इसको टच करना अलाउ नहीं है। और हम लोग, मैं कर रही हूँ जल अभिषेक। ये गोल्ड की मूर्ति है। तो हम लोगों ने जल चढ़ा दिया था और हम लोग अभी जा रहे हैं, दर्शन हमने कर लिए। हम लोग अभी बाहर निकले हैं मंदिर, सारा मंदिर भी मिले और अपने सारा भी कुर्बानी में लगता है मंदिर का। तो हम लोग अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं और उसके बाद अभी कहाँ जाना है? ये पूरा मंदिर है क्या? क्या बता भाई, ये अपनी संस्कृति प्रदर्शनी। इसका पॉइंट डालना होता है इसके अंदर, जो पैर के ऊपर मतलब जाता है तो मतलब इस पूरी होते हैं। तो कुछ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है, ये पैर बना हुआ है और इसके ऊपर जाना चाहिए पॉइंट। चल 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 चल
तो बहुत है ना ये, इतना बड़ा है प्रियंका, बड़ा देखिए कितना कितना सुंदर लग रहा है दूर से। तो गाइस ये देखो बहुत बड़ा मंदिर है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर और अभी यहाँ देखते हैं कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं, ये सारे दर्शन यहाँ पे करेंगे। मैंने यार लेके आ गए, मुझे भी दो आटे की बनाते हुए देते। तो गाइज दूर से कुछ ऐसा दिखता है ये मंदिर जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है, नाइट का व्यू तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसका।
कलश बनाया गया है इधर, और इसमें पेड़ को काट के ये छवि दिखाई गई है कि मानव हाथ जोड़ रहा है भगवान के सामने। इनका वीडियो बना रही है। ये कलश और साथिया बनाया गया है, इसको ध्यान से देखे दो, मेरे को ऐसे लगा। प्रियंका ये अब भवन ठीक है, जूम करूँ इन्हें बस, तू बोलो तो। लोगों ने वीडियो बना ली है पूरी, और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। पहुंचो, पहुंच के फोन कर देना। हम लोग अब निकल रहे हैं घर की ओर, और कुछ खाते हुए जाएंगे क्योंकि भूख लग रही है सबको, और फिर हम लोग घर जाएंगे सीधा ही, क्योंकि वीडियो कम्प्लीट मंदिर के, तो हम लोग मंदिर के बाहर ही खाने के लिए रुके हैं, अभी खाने के लिए रुके हैं और अभी खाएंगे हम लोग, फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। चाउमिन बर्गर मोमोज तो हमारा मोमोज आ गया रेडी होके, आ जाओ। तो क्या है, बर्गर की मोमोज है, इधर ले आओ। ये आ गया मोमोज, गया हमारा बर्गर, चौमिन खा रहे हैं। के सामने शॉप है, और ये कम रेट के टॉप वगैरह जैकेट वगैरह आपको मिल जाएगी देखने को। खा लिया सब कुछ, बर्गर चौमिन मोमोज वगैरह, तो हम लोग निकल रहे घर की ओर। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो हम लोग अभी निकल रहे घर, ये प्रियंक लोकेशन देखी जा रही है मोबाइल में। अरे किधर जाना है, किधर जाना है? तो हम लोग घूम रहे हैं पिंक सिटी जयपुर, और काफी नाइट हो गया है। हम लोग पहुंच गए घर पे, और हम लोग अभी कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे और फिर एडिटिंग करेंगे वीडियो। आपको पता ही है एडिटिंग करनी, रात के 10 बज चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारी वीडियो अगर पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब ऐसे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।